बाबा रामदेव बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला, लेकिन एक शिकायत, आप यहाँ नहीं आए, आपको आना था, आप किसी वजह से नहीं आ पाए, तो शिकायत पहले आपसे। लेकिन इस वक्त मैं आपको बता दूं, अयोध्यावासी आपको सुन रहे हैं, आप लाइव हैं और बड़ी संख्या में देश के साथ साथ पूरी अयोध्या आपको आज सुन रही है। तो सवाल कुछ नहीं, पहले एक संदेश अयोध्यावासियों के लिए बाबा रामदेव का। बाबा, मैं खुद मेरे भाई अमन अयोध्या आ रहा हूं 22 जनवरी को, और राम हमारे सांस्कृतिक विरासत के सबसे बड़े प्रतिमान हैं। राम हमारे प्राण हैं, राम हमारी आत्मा है, राम हमारा राष्ट्र है, राम हमारा स्वाभिमान है। राम एक भ्राता को कैसे होना चाहिए वो हमें जीना सिखाते हैं, एक त्राता कैसे होता है, कैसे सबका त्राण करता है वो हमें अपने चरित्र से दिखाते हैं, वो सिखाते। एक राजा भी है, राम एक राजा भी है, रघुपति राघव राजा राम पति तो पावन सीता राम, उनका पावन चरित्र है, किस तरह से उन्होंने भीलों से लेकर के और क्या क्या पूरे प्रसंग है रामायण के, कि पूरे भारत को एकत्व के, सह अस्तित्व के, सामंजस्य के, और मैं कहां भारत की बात कर बैठा, पूरे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम और एकत्व मनुपश्यत, जो वेद के उद्घोष है, या तो हमारे सांस्कृतिक उद्घोष है वसुधैव कुटुंबकम, वेद का उद्घोष एकत्व मनुपश्यत, सहनावतु यत्र विश्वम भवत्येकं मित्तस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्, सबके प्रति मैत्री, सबके प्रति करुणा, सबके प्रति उदारता, और एक बार भी जिन्होंने मर्यादा का अतिक्रमण नहीं किया, ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्याम, कुछ उनको अपना पूर्वज मानते हैं, कुछ अपना आराध्य मानते हैं, और कुछ उनको अपना परात पर ब्रह्म मानते हैं। मैं तो उनको अपना सब कुछ मानता हूं, क्योंकि मेरा तो नाम ही रामदेव है, तो मेरे तो राम ही सर्वस्व है मेरे भाई अमन। लेकिन आपने कहा कुछ लोग प्रभु राम को मानते ही नहीं, कुछ लोग प्रभु राम के अस्तित्व को ही नहीं मानते, लेकिन अयोध्या में बैठ कर कम से कम ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, मैं इसलिए उस राजनीतिक बात आपसे नहीं करूंगा। लेकिन मैंने जिस सवाल के साथ शुरुआत की थी, क्योंकि आपका भी एक संघर्ष रहा है, राम मंदिर की पूरी यात्रा, वो प्रमाण से परिणाम तक, वो जो संकल्प से सिद्धि तक, कई परिवारों ने अपने परिवारजनों को खोया, कार सेवकों के लिए और खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने बलिदान दिया बाबा, उनके परिवार वालों के लिए, या आप मानते हैं सच्ची श्रद्धांजलि कम से कम 22 जनवरी को जिन्होंने प्राणों की आहुति दी प्रभु राम मंदिर के लिए? अरे, जब हम उन अपने पुरखों के बलिदान को देखते हैं जिन्होंने अपना सब कुछ नौछावर कर दिया केवल अपने प्रियतम राम की प्रसन्नता के लिए, और जिन बहनों की सुहाग उजड़ गए, जिन बहनों ने अपने भाई खो दिए, और जिन भाइयों ने अपनी बहनों को खो दिया, जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया श्याम जी के चरणों में, मुझे तो लगता है 22 जनवरी को भी सबसे पहले उन शहीदों की शहादत को, एक तो सीमाओं पर लोग शहीद होते हैं, एक धर्म के लिए, अपने सांस्कृतिक विरासत के लिए, भगवान राम जो हम, मैंने कहा हम सबके प्राण हैं, उनके लिए जिन्होंने अपने प्राणों को न्योछावर कर दिया, एक उनका स्मारक, जैसे दिल्ली में एक स्मारक बनाए ना मोदी जी ने, मैं तो चाहता हूं मोदी जी एक वैसा स्मारक अयोध्या में जरूर बनाए, क्योंकि ये सैकड़ों नहीं, ये तो हजारों वर्षों का संघर्ष रहा है इसमें, और मुगलों के साथ जिस तरह से उन्होंने क्रूरताएं की, हमारे कितने मंदिरों को मस्जिदों में तब्दील किया, कितने मंदिरों को, कितने हमारे देवस्थानों को और हमारे देवी देवताओं की मूर्तियों को खंडित किया। अब उस पाप के लिए मैं कोई बदले की भावना से तो कुछ नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये आगे पाप नहीं होना चाहिए कभी। और जो उन्होंने जुल्म जातियां करके जिन भी मंदिरों का अतिक्रमण किया था ना, चाहे वो अयोध्या है, चाहे वो काशी विश्वनाथ है, चाहे अब मथुरा है, अब मैं एक बात सीधी से, मैं तो अमन का उपासक हूं, और अमन भाई आप भी देश नहीं झुकने देंगे, और सनातन संस्कृति के बहुत बड़ा पुरोधा है, लेकिन मैं कई बार सोचता हूं हमारे मुसलमान भाइयों के मजहब का हम आदर करते हैं, हम तो सबका आदर करते हैं,
लेकिन अयोध्या में मुसलमानों का क्या काम भाई, वहां मस्जिद का क्या काम, काशी विश्वनाथ में? अब ज्ञानवापी नाम ही बता रहा है कि वो ज्ञानवापी जो है मंदिर तो हो सकता है, ज्ञानवापी मस्जिद कहीं पूरी दुनिया में न तो उर्दू का शब्द है, न फारसी का, न पता नहीं किसी का भी नहीं है ये। और फिर जहां हमारे कृष्ण कन्हैया की भूमि है वहां पर भी हर जगह उन्होंने झगड़ा डाला। और अब तो मुझे लगता है अब तो हमें ये सांस्कृतिक आजादी मिलनी चाहिए, आजादी के 75 वर्ष बाद तो मेरे भाई अब